वेलकम बैक। बिहार के छपरा में आज हुई मॉब लिंचिंग की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया, पूछा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनाया गया। मॉब लिंचिंग, द मेंबर इज राइट, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज हियर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक मॉब लिंचिंग पर कानून बनाइए, आप क्यों नहीं बनाते सर? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? आज बिहार में हुआ सर, और सर आखिर में तबरेज अंसारी को मारा गया। सर तबरेज अंसारी का आप देखिए मुल्क में कितनी हेट्रेड है मुसलमानों के खिलाफ। मैं कह रहा हूं, खत्म कर रहा हूं सर, मारने वाले रात भर मारे, पुलिस लेकर जाती है दवा अस्पताल को, अस्पताल वाले नहीं देखते, जुडिशियल कस्टडी वहां नहीं देखते। सर जब संजीव भट्ट को 18 साल के बाद सजा हो सकती, हम उम्मीद करते कि झारखंड की सरकार भी उन तमाम पुलिस अफसर को, उन जुडिशियल अफसर सजा देगी। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए सर, वरना जो लोग खड़े हो चुके हैं, और मैं होम मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं कि आपको बैन करना पड़ेगा इन लोगों को, आपने फ्रैंकेंस्टाइन को खड़ा, सर खत्म कर दीजिए सर, प्लीज सर खत्म कर दीजिए, एक आधा मिनट सर, मैं आपके जरिए से होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि एक फ्रैंकेंस्टाइन खड़ा हुआ है, आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आज 302 है मगर कल नुकसान पहुंचाएंगे देश को और आपको। थैंक यू सर।